नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं स्लाइड टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में, जैसा हमने आपको बताया था, कहलगांव और सुल्तानगंज में चुनाव होने हैं। वहीं भागलपुर समेत 5 विधानसभा में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। एक ओर जहाँ जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में प्लूरल्स पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित आलोक हैं, जो इस बार भागलपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने उतरे हैं। अमित आलोक पिछले 14 सालों से भारत के अलग अलग राज्यों में प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर एंड एम्बुलेंस सर्विस की स्थापना में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर एंड फार्मूला 1 मोटर स्पोर्ट्स मेडिकल सर्विस के एक्सपर्ट भी रहे हैं। तो आइए हम अमित जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपका राजनीति में आना कैसा हुआ? मेरा राजनीति में आना बहुत ही आकस्मिक एक डिसीजन था। जैसा मेरा मानना है शुरू से कि राजनीति जो है हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये राजनीति ये डिसाइड करती है कि हर दिन, हर सुबह उठने के बाद रात में सोने तक, जी हर एक वो पहलू, हर एक वो चीज़ जिससे हम गुजरते हैं, राजनीति का उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और मैं जब प्लूरल्स की विचारधारा को पढ़ा, उसके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि ये सही समय है, एक मौका है जो मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। और तो सर, प्लूरल्स ही क्यों? ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो प्लूरल्स में क्या आपने देखा, एक कोई वजह? जी, प्लूरल्स डेफिनेटली एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका गठन इसी साल 8 मार्च को हुआ था, और इसकी प्रेसिडेंट जो हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, ये लंदन से जो है पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। और मेरा मानना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कि पॉलिटिक्स अल्टीमेटली राजनीति जिसको बोलते हैं, उसका काम ये है कि हम राज्य के लिए नीतियाँ बनाएं। और मुझे लगा कि आज बिहार को एक अच्छे नीतियों की ज़रूरत है, और पुष्पम जी का जो प्लूरल्स का स्टाइल था, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस थी, तो वो मुझे अच्छी लगी और फिर मैंने इसे ज्वाइन किया। जी, तो प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट जो है पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने खोइचा को अपना हथियार बनाते हुए वो चुनावी मैदान में उतरी है, तो आपको क्या लगता है खोइचा को जो उन्होंने अपना हथियार बनाया, तो उसका कितना लाभ आप प्लूरल्स पार्टी को मिलेगा? खोइचा हमारे समाज में एक बड़ा ही इमोशनल पार्ट है, और खोइचा में जो प्लूरल्स का एम है और मैडम प्रेसिडेंट का कहना है कि आज जो है व्यक्तित्व, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं कट गए हैं आम जनता से, तो खोइचा एक माध्यम है उनसे प्रॉमिस करने का, उनसे जुड़ने का, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि अगर जो एक मुट्ठी चावल हम लोग ले रहे हैं उनसे, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा तो जो हमारी उपज है वो एक जो फसल ही नहीं बचेगी, वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इससे वो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस एक मुट्ठी चावल को हम लोग जो है उद्योग के रूप में वापस करेंगे। जो एक रुपया ले रहे हैं हम लोग खोइचे में, कि वो हम लोग हर एक घर में एक रोजगार देंगे जी। और जो एक कपड़ा है जिसमें खोइचा बांध के देते हैं, वो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि 100 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लगाएंगे जिससे सबको उद्योग मिलेगा, और जो ये कपड़ा है संबंध है उस खोइचे का जो चावल और रोजगार के बीच का है, तो ये है। और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसकी चर्चा जो मैं देख रहा हूँ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट मूव जो लोग पसंद कर रहे हैं। तो सर, लोग पसंद कर रहे हैं या फिर ये सच में इम्प्लीमेंट होगा, या मीडिया के लिए, चुनाव में आने के लिए सिर्फ मीडिया के लिए हवाई बाजी है, जैसा कि सारे अभी तक जितने विधायक रहे हैं कितने सारे वादे करके जीतते हैं तो फिर वो वादे हवा में चले जाते हैं? देखिए, डेफिनेटली जो लोग प्लूरल से जुड़े हुए हैं, मोस्टली लोगों का कोई पॉलिटिकल कैरियर रहा नहीं। मैं खुद दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, और मुझे ज़रूरत पॉलिटिक्स में आने की कोई थी नहीं, और इंटेंशन बस साफ़ है कि हमें अपने समाज के लिए चीज़ों को करना है, और तो हम वादा कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि अभी तो ये हमारा वादा है और हम इसको पूरा करेंगे। तो सर, अगर जीतती है प्लूरल्स की पार्टी तो प्राथमिकताएं क्या होगी आपकी? क्या बदलाव करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, प्राथमिकताएँ जो है वो रोज़गार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
कि वी एज एन इंडिविजुअल, हम एक इंसान हैं जो इस, और हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं जी, और इंसान और सोसाइटी के बीच का जो संबंध है वही राजनीति है जो तंत्र बोलते हैं। एज एन इंडिविजुअल और एक इंसान के रूप में हमारी तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी स्वतंत्रता, जो हमारा फ्रीडम है। दूसरा है हमारी भलाई, जो हमारा वेलबींग है। और इन दोनों चीज़ों से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डिग्निटी। और जब हम सोसाइटी के लेवल पे आते हैं तो सोसाइटी चार स्तंभों पे खड़ी होती है, और प्लूरल्स का मानना है कि ये चारों स्तंभ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो हमारा सोशल स्तंभ है, दूसरा है आर्थिक स्तंभ, तीसरा है हमारा मेंटल लेवल, हम मानसिक रूप से कितने खुश रहते हैं, और चौथा है स्पिरिचुअल। तो इंसान और सोसाइटी के बीच का जो ये स्तंभ है, इसको चलाने के लिए एक तंत्र की ज़रूरत होती है, जो पॉलिसीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दो तरह की होती है। एक लोकतंत्र होता है और एक राजतंत्र होता है। और हम लोग बिलीव कर रहे हैं कि आज हम लोग लोकतंत्र में हैं, जहाँ पे हम लोग जो है अपनी सरकार चुनते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं। वो पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जो पैसे हम लोग उनको टैक्स के रूप में देते हैं, उन्हीं पैसों को एक अच्छे फॉर्म में बना करके वो सोसाइटी को देना चाहिए, जो आज हो नहीं रहा है। और प्लूरल्स का मानना है कि हम लोग एक प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स करेंगे, मतलब हमारी प्रतिबद्धता होगी लोगों के लिए, और उस प्रतिबद्धताओं के साथ जो है हम जो भी चीज़ें करेंगे उसका उसकी एक जिम्मेवारी भी लेंगे। लाइक अगर हम आज रोड बना रहे हैं तो सरकार का काम हो जाता है कि वो रोड बना देते हैं, बस उस रोड पे जो गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे के कारण जो मौत होती है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। तो हम लोग एक प्रतिबद्ध और मीन्स कह सकते हैं कि जिम्मेवार सरकार बनाएंगे जी। तो अभी भागलपुर विधानसभा के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े दिग्गज कैंडिडेट हैं अभी मैदान में, बीजेपी से, लोजपा से, कांग्रेस से, तो आप उनमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? दिग्गज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, दिग्गज तो जनता होती है जी। और मेरा मानना है कि जनता हमेशा जो है अपने नेताओं को और जो पॉलिटिशियन उनको चुनती है उनके मैनिफेस्टो के आधार पर, और उनके साथ बार बार धोखा होता है। तो प्लूरल्स के जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ही क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। आप देखेंगे जब से हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, लोग काफ़ी प्रभावित हैं उस चीज़ में, जिसमें बात होती है रोज़गार की, जिसमें बात होती है उनके अच्छे स्वास्थ्य की, जिसमें बात होती है उनके अच्छे एजुकेशन की। और ये सारा एजेंडा जो है लोग बहुत ही उत्साह के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आई थिंक कि वो लोग हमारे आसपास भी नहीं हैं इस दौर में, और जनता इस बार फैसला करेगी और प्लूरल्स के पक्ष में फैसला करेगी जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूरल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं पुष्पम जी, तो उनके पिता नीतीश जी के बहुत करीब थे, तो उनके रिश्तों में फिर क्या कुछ बदलाव आया है? जैसा मैडम प्रेसिडेंट ने कहा, देखिए हमारी जो समाज की विचारधारा है, या हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन बिहारी, हम लोग बड़े ही स्वामित्व वाले लोग होते हैं। मतलब एक बार आप पे भरोसा कर लिया तो कर लिया, फिर हम लोग बदलाव नहीं करते हैं। तो शायद उन्होंने कहा है कि ऐसा ही रहा है उनके परिवार के साथ। डेफिनेटली वो लोग ग्रह में, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता इस बारे में, बट आई थिंक जो रिसेंट डेवलपमेंट था कि उनके फादर जो हैं MLC रहे थे वहाँ पे, और अभी उन्होंने JDU छोड़ दिया है और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर रहे हैं। तो खैर वो उनका निजी मामला है, और इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं। ओके, तो भागलपुर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेन भागलपुर शहर की बात हुई तो यहाँ पर पहले जो विधायक हैं हमारे, अभी जो विधायक हैं, उन्होंने कई वादे किए थे भोलानाथ पुल को लेके, या फिर जन समस्या जो है धरती से जुड़ी समस्या लोगों की उनको लेके, तो वो तो बस वादे में ही रह गए। तो अब अगर ये आपकी सरकार बनती है तो वो कहाँ तक पूरा होगा? और मेन बात करें तो भागलपुर के हवाई अड्डे की, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी नई सरकार अगर बनती है आपकी पार्टी की तो हम यहाँ से उड़ान भरेंगे? बिल्कुल, अभी तो खैर हवाई अड्डा जो है वो जनसभाओं का केंद्र बना हुआ है, शायद आई थिंक वन ऑफ द रीज़न है कि कभी वहाँ लोगों ने बनने ही नहीं दिया जी। जो देखिए और ये भागलपुर ये ऐसा शहर है जहाँ हवाई अड्डे में जनसभा होती है, ना कि प्लेन उड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ट्रू, इट्स क्वाइट पैथेटिक। तो इसमें चीज़ों को मैं स्टेप बाय करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे समाज की कुछ मूल भौतिक समस्याएँ हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 74 साल बाद भी आज हम वार्ड की सफाई जी, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़, गंदे नालियों के थ्रू जो पीने का पानी जाता है, जो बच्चे हमारे हैं, ऑलमोस्ट 46% जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं,
हमारी 52.5% जनसंख्या जो लगभग 5 करोड़ की आबादी है उनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं, तो दुनिया कहां से कहां चली गई और हम आज भी उन्हीं बेसिक मुद्दों पे फंसे हुए हैं। तो इसमें हमारा मानना है इस समस्या का जो सबसे आसानी से समाधान ये किया जा सकता है कि हमारे पास 45 तरह के अलग प्रशासनिक विभाग होते हैं, वो इसीलिए बने हैं कि वो हमारी पीने की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सैनिटाइजेशन, मेडिसिंस और बहुत सारी, शायद 45 तरह की हमारी ज़रूरतें भी नहीं हैं। वो 45 प्रशासनिक विभाग आखिर करता क्या है? वो इसलिए फंक्शनल नहीं है कि उनमें स्वायत्तता नहीं है, दे आर नॉट फ्री। विदेशों में क्या होता है कि जो एकेडमिक जो प्रशासनिक संस्थाएं होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, मीन्स कि अगर वार्ड लेवल पे कुछ डिसीजन लेना पड़े जो प्रशासनिक विभाग में लोग हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, BPSC एम्प्लॉयड, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो हम अभी क्या होता है कि उन्हें ये टैलेंटेड लोग अपनी बनाई हुई फाइल को लेकर मूर्ख नेताओं के पीछे भागते रहते हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्लूरल्स करने वाली है कि इन 45 संस्थाओं को जो है एक स्वायत्तता मिलेगा, उनको हर फाइल के लिए सेंटर और स्टेट में नहीं दौड़ना पड़ेगा। और ये मूलभूत समस्याएं हैं, बाकी स्टेट और बाकी राज्य जो हैं आप देख रहे हैं, बाकी देश इन सबसे तो कभी कितने सालों पहले इन सब चीज़ों से आगे आ गए हैं। तो भोलानाथ पुल डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंडा है हम लोगों का, और हम लोग प्रॉमिस करते हैं अगर मैं भागलपुर से चुना और हमारी सरकार रही तो मैं भोलानाथ पुल क्रॉस तब तक नहीं करूँगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो ये प्रॉमिस है, बहुत छोटी समस्याएं हैं ये, इट्स नॉट एन रॉकेट साइंस। यू नीड ए सम्प हाउस जो उसको कर देता है, यू नीड ए फ्लाई ओवर, इसके लिए इतने पैसे होते हैं गवर्नमेंट्स के पास। अब कभी गवर्नमेंट्स की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उसमें देखिए करोड़ों अरबों के फंड आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंटर गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे लौट के चले जाते हैं। तो नीयत नहीं है इनकी, वो हमें परेशान करना चाहते हैं, वो उनको अच्छा लगता है जनता को परेशान देखना और फिर वही मुंह उठा के हर, मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो सेम चेहरे सेम वादे फेल्योर होके फिर उनको हिम्मत कैसे होती है जनता के बीच में जाने की, आश्चर्यजनक बात है, मेरे लिए एक दुखद अनुभव है। तो ये समस्याएं सॉल्व होंगी। और दूसरी जो मूलभूत समस्या है जो ट्रैफिक की समस्या है, आप देखिए बाकी राज्य भी तो हैं, वहाँ भी शहर हैं, वहाँ क्यों नहीं लगता ट्रैफिक? बिकॉज उनके पास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम है, हमारे पास भी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम हम लोग जो डेवलप जो मॉडल एक्सेप्ट करेंगे जिसमें एक सिंगल डिजिट नंबर होगा जिसमें फायर पुलिस एम्बुलेंसेस और ट्रैफिक कंट्रोल होगा। मैडम प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये सारी चीज़ों का एक कॉल सेंटर बनेगा जो बहुत बड़ा कॉल सेंटर होगा और अपने डिस्ट्रिक्ट के बहुत जगहों से जो कैमरे का फीड है वहाँ आएगा, यही सभी जगह होता है। और जिस भी जगह आप उन समस्याओं को देखते हैं या कॉल सेंटर पे आपके साथ कोई कॉल करके बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है और या तो रेस्क्यू वैन जाती है, जीतने के बाद ही होगा या फिर अगर मान लीजिए कि अगर नहीं भी बनती है आपकी सरकार तो ये फिर भी ये योजना आगे बढ़ेगी, ये योजनाएं डेफिनेटली, इन योजनाओं को बनाने के लिए आपको सरकार में आना होगा। मीन्स अगर खैर हम लोग जीत रहे हैं बट चलिए एक बार आपकी बात को मान के भी ये रखते हैं कि हम लोग अगर विपक्ष में भी रहते हैं, प्लूरल्स, मैं मेरे कहने का ये नहीं था कि आप नहीं जीतेंगे पर क्योंकि ये जनता डिसाइड करेगी, जनता का कॉल होगा ये कि किसे किसकी सरकार बनेगी, तो उससे मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल, तो इसमें बहुत ही सिंपल दो एग्जांपल है, इन लोगों को हमने 15-15 साल दे दिया और हमने देख लिया रिजल्ट क्या है। अब आपके पास दो आम है, एक आपको पता है ये डेफिनेटली सड़ा हुआ आम है और दूसरा आम है जो नया है, हो सकता है ये भी सड़ा हुआ हो, 50% चांसेस है कि ये सड़ा हुआ हो या हो सकता है ये नहीं सड़ा हुआ हो। तो एज एन जनता ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। एक वो आम जो सड़ा हुआ है, पॉइजनस है, टॉक्सिक है, उसको खाने से आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा ही होगा, या एक फ्रेश आम जिसके साथ आप चांस लेना चाहते हैं। एक पढ़े लिखे लोग, मैं एक लाइन है जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है, इफ़ योर ब्रेन डजंट नो योर आइज कैन नॉट सी। सो एज एन पॉलिसी मेकर, एज एन पॉलिटिशियन, आप एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप उन समस्याओं की जो सॉल्यूशन है आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। लाइक आप अगर डॉक्टर हैं, मैं जैसे इमरजेंसी मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मुझे पता नहीं है कि ये ड्रग मैं दूंगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा तो मैं हमेशा गड़बड़ करूँगा। आज के नेताओं के, नकली नेताओं की यही हालत है, दे आर नॉट एकेडमिकली क्वालिफाइड टू टेक डिसीजन फॉर आवर सेल्फ, और बहुत ही दुखद है ऐसी बात। तो हम लोग पॉलिसी मेकिंग के एक्सपर्ट हैं, पुष्पम मैम पॉलिसी मेकिंग के एक्सपर्ट हैं, तो नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं। यही एक्सपेरिमेंट हम लोग दुनिया में सारी जगह करते हैं और हम लोगों का मानना है कि हमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। मतलब जो पैसा
कौन सा पैसा, आप पानी का बॉटल खरीदती हैं, कपड़े खरीदती हैं, एक गरीब जो है नमक भी खरीदता है, उसका एक हिस्सा जो है टैक्स के रूप में वो सरकार को देता है, और सरकार जो नीतियां बनाती है अगर उन पैसों का सही सदुपयोग ना हो तो जो देख रहे हैं जो हजारों लाखों और नीतियाँ बनती है वो बिहार की सारी नीतियाँ फ्लॉप नीतियाँ और हमारे मेहनत से कमाए हुए टैक्स के पैसे की बर्बादी है। तो हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ करेंगे। मान लीजिए कि जो भी पॉलिसीज़ बनी है उनका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट समाज के दूसरे हिस्सों पे, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में हो चुका है, तो हम लोग वो पॉलिसीज़ लाएंगे जो इफेक्टिव हो जी। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे पुष्पम जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाहर से पढ़ाई करके आई है और वो चुनाव में उतर गई, पढ़ाई करके बाहर से आई है चुनाव में उतर गई और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जीत जाएंगी, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है, विपक्ष का ऐसा मानना है, हर कोई चाहता है बाहर से पढ़ाई करना। हमारे महात्मा गांधी ने बाहर से पढ़ाई की थी, वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं जहाँ से भीमराव अम्बेडकर पढ़ के आए, तो क्या उन लोगों ने देश के लिए बदलाव नहीं किया? बाहर जाना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है कुएं के मेंढक की तरह बन जाते हैं। जब आप बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि जीवन कितना आसान है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उनका काम है कि जनता के जीवन को आसान बनाना, आवर लाइफ, जो इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से घंटाघर जाना चाहती हैं, तो अगर आपके पास ट्रैफिक फ्री रोड हो, आपके पास एक अच्छी कार हो, आपके पास एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो आपका जाना आसान है। आप नीचे उतरती हैं, मेट्रो पकड़ती हैं, घंटाघर चली जाती हैं। और आज की स्थिति में देख लीजिए, आप यहाँ से घंटाघर जाने में आपको 20 मिनट लगेगा, वो भी श्योर नहीं है कि आप पहुँचेंगे। आप पसीने से भींग गई होती हैं, कोई टक्कर मार देता है, फिर उसमें लड़ाई हो जाती है, और फिर तो गुणवत्ता बहुत ही जरूरी है। और मैडम प्रेसिडेंट जो हैं पढ़ के आई हैं, लोगों को ये समझना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना कि भाई ये डॉक्टर लंदन से आया है, तो अब जो लंदन से आए हुए डॉक्टर होते हैं। मेन ये कहना है कि चुनाव में राजनीति की बात करें तो राजनीति में एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें एक किताबी कीड़ा कहा जा रहा है, तो उस बारे में आप बताइए। देखिए, जो लोग शायद अच्छे से नहीं जानते होंगे उनके राजनीतिक कैरियर को, पुष्पम मैम एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने प्रोफेशनली पढ़ाई की है उस चीज़ की, वो दूसरे देशों में दूसरे नेताओं को जिता चुकी हैं। वो बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में वो एज एन कंसल्टेंट रही हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत रही हैं। जब वो चीज़ें वो बाहर प्रैक्टिस कर चुकी हैं, जब वो दूसरों को चुनाव जिता सकती हैं, तो वो खुद को क्यों नहीं जिताएंगी और प्लूरल्स को क्यों नहीं जिताएंगी? तो ऐसा कोई किताबी कीड़ा की बात नहीं। आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए जिसको कि लोग अनुभवी बोलते हैं, नीतीश जी को या लालू जी को, मान लीजिए कि वो पॉलिटिक्स के पंडित हैं और वो बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने क्या दिया है आपको और हमें? मुझे बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, आप बहुत सारे लोगों को इलाज कराने बाहर जाना पड़ता है, हमारे पास क्यों हम बाहर पढ़ने के लिए जाएं, इलाज कराने के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं? वो पॉलिटिकल पंडित तब होते जब हमारी ज़िंदगी, हम जैसे, हमारे आपके जैसे युवाओं की ज़िंदगी आसान होती है यहाँ पे। सो वो तो फेल्ड हैं, बस डिफंक्ट हैं, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था अब जनता के सामने। अब जनता के सामने एक अच्छा ऑप्शन आया है तो वो डेफिनेटली पुष्पम प्रिया जी को चूज़ करेंगे जी। तो एक आखिरी बात, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि वो आपके पार्टी को जिताए, सरकार में लाए, और फिर उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि बाकी सरकारों ने, हमने भी देखा, आपने भी देखा और जनता ने भी देखा, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो कुछ अनुरोध या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें जो कि आपकी पार्टी की तरफ। बिल्कुल, देखिए चुनाव जो है इस हमारे लिए एक महोत्सव है, और जितनी जिम्मेवारी एक राजनेता की होती है उतनी ही जिम्मेवारी जो है समाज में एज एन इंडिविजुअल, एज ए वोटर, हमारी और आपकी भी होती है। राजनेता अपना पंच, अपना प्रपंच, अपना मैनिफेस्टो आपके पास रखते हैं। आपको भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि जिसको आप चूज़ कर रहे हैं वो आपको उससे क्या मिला है अभी तक। ये कौन सी समझदारी है कि हर बार आप अपना गाल लेके सामने जाते हो, सामने वाला एक जोरदार तमाचा आपको जड़ता है और आप हर बार ये भरोसा करते हैं कि शायद अच्छा इस बार वो नहीं जड़ेगा। तो जनता जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, जनता जनार्दन है, और मुझे भरोसा है कि वो इस बार सड़े हुए आम को जो है चूज़ नहीं करेंगी, वो साफ़ सुथरे नए आम को चूज़ करेंगी। और मीन्स ऑल द बेस्ट। सर एक आखिरी सवाल, बिहार के लिए सबसे ज़्यादा ये जाना जाता है कि राजनीति चुनाव में खासकर कि यहाँ पर जातिवाद बहुत है, अपनी जाति के लोगों को ही लोग वोट देते हैं या फिर कुछ ऐसा, तो इस बार क्या लगता है कि लोग जातिवाद में जाके इस बार फिर वोट देंगे या फिर उससे उठकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? ओके, इसको मैं थोड़ा साइंटिफिकली जाऊँगा इस आंसर को।
बिहार के जो लोग हैं जेनेटिकली आप देखेंगे तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व पीपल। आईक्यू और ईक्यू की बात करेंगे तो बिहारीज आर मोस्ट यू नो डेवलप्ड आईक्यू एंड ईक्यू लेवल। जब सारी दुनिया जीना सीख रही थी तो हम उसमें पढ़ाई कर रहे थे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जब लोग बच्चे खड़ा हो रहे थे आप उसमें स्प्रिंट लगाया करते थे। दुख की बात यही रही है कि पिछले 30 सालों में जो समाज में पढ़े लिखे अच्छे लोग थे वो दूर भाग गए, मैं भी दूर भाग गया इन चीज़ों से, तो मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं नहीं निभाया। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, जो एक सामाजिक तंत्र होता है जो राजतंत्र या प्रजातंत्र है वो उन्होंने एक नैरेटिव बना रखा है बिहार के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैडम पुष्पम प्रिया मैम ने अपने रिसर्च किया है वोटर और कैंडिडेट लिंकेज में, उन्होंने इस बात का बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है कि ये जो बात है ये नैरेटिव है ये गलत है, ये सवाल ही अब नहीं पूछना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क आता है, ये बिल्कुल गलत है। हर कोई भी एक ऐसी जाति, कोई भी एक ऐसा धर्म जो आज के डेट में आप बता दीजिए जो पिछले 30 सालों में और उससे भी पहले अगर हम लोगों ने जाति और धर्म के आधार पर ही वोट किया, कौन सी ऐसी जाति, कौन सा ऐसा धर्म है जो बहुत ही सक्सेसफुल है, जो बहुत ही वेल्दी है, जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कोई नहीं है। तो लोग थक चुके हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ करके, पुष्पम प्रिया जी ने अपना एक वंडरफुल कैरियर छोड़ करके, मैंने अपना एक वंडरफुल कैरियर छोड़ करके, और आप जितने लोग जुड़े हैं प्लूरल्स में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके एक स्टेज बनाया है, आपको एक विकल्प दिया है, और जनता जो है इस बार सही विकल्प को चूज़ करेगी क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता जो है जाति और धर्म के आधार पर ही वोट करती है। जी, तो भागलपुर की जनता आपको क्यों वोट करे, इस बारे में कुछ कहिए। बिल्कुल, मैं भागलपुर का हूँ, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ, और मैंने अपने मैनिफेस्टो को लोगों के सामने रखा है। मैं भी इन्हीं गलियों में पला बढ़ा हूँ, यहीं पे इस शहर से बहुत ही लगाव है मेरा, और वो मुझे वोट करेंगे क्योंकि उन्हें रोज़गार चाहिए, उन्हें एक अच्छा स्कूलिंग सिस्टम चाहिए, उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य का सिस्टम चाहिए, और वो प्लूरल्स इन सब चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध है, और मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 5 साल में इन सारी समस्याओं का निदान होगा। तो ये थे हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित आलोक सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, सेल्फ टीवी का।